नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिथुन राशि, सितंबर और अक्टूबर 2021, ये पांच बड़ी खुशखबरी आपका इंतज़ार कर रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सितंबर और अक्टूबर 2021 का महीना किस प्रकार से रहने वाला है, यानी कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में मिथुन राशि के जातकों आपको किस प्रकार से पांच बड़ी खुशखबरी आपका इंतज़ार कर रही है। आपके जीवन में किस क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी, किन क्षेत्रों से आपको सावधानियाँ भी बरतने की ज़रूरत होगी, इन दो महीनों में आपको कौन सी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। साथ ही हम आपको बताएंगे मिथुन राशि के जातकों की आपके जीवन में सफलता किस प्रकार से मिलने वाली है। तो मिथुन राशि के जातकों, आपको ये जो दो महीना रहेगा सितंबर और अक्टूबर 2021, ये दो महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर, यानी कि बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तमाम ग्रह गोचरों की स्थितियों के बारे में अगर बात करें तो मिथुन राशि के जातकों, सितंबर और अक्टूबर के महीने में देव गुरु बृहस्पति यानी कि 14 सितंबर को वक्र स्थिति से मार्गी स्थिति में आ जाएंगे और कुंभ राशि पर रहेंगे आपके भाग्य भाव पे। तो वहीं शनि देव न्याय के कारक जो कि आपके अष्टम भाव पे वक्र स्थिति में विराजमान रहेंगे और 11 अक्टूबर को एक बार फिर से वक्री से मार्गी स्थिति में आएंगे। दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्य ग्रह यहाँ पर सिंह राशि से एक बार सितंबर के मध्य में सिंह से कन्या राशि में गोचर करेंगे और अक्टूबर में कन्या राशि से एक बार तुला राशि में गोचर करेंगे। जी हाँ, और यहाँ पर बात करें तो मंगल देव कन्या राशि में रहेंगे और यहाँ पर बात करें तो आपके राशि के स्वामी स्वयं बुध ग्रह सितंबर के महीने में वक्री होकर एक बार अक्टूबर के महीने में यानी कि वक्री से मार्गी स्थिति में आ जाएंगे। दोस्तों, राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे। ये जो ग्रह स्थितियां रहेंगी इन दो महीनों के लिए मिथुन राशि के जातकों, आपके लिए बहुत ही सुंदर शुभ संयोग और बेहद अच्छे योग बन रहे हैं, अच्छे योगों का निर्माण कर रही है। साथ ही साथ मिथुन राशि के जातकों, सितंबर और अक्टूबर के महीने में अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। अमृत सिद्धि योग के बनने के कारण, चूँकि सितंबर के महीने में दो यानी कि बनेंगे अमृत सिद्धि योग, जिसके कारण आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी मेहरबान रहने वाली है। तो मिथुन राशि के जातकों, माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनेगी। जब भी अमृत सिद्धि योग का निर्माण होता है माता लक्ष्मी जी काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। इसीलिए मिथुन राशि के जातकों, हमने कहा है कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में ये पांच बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है। वो पाँच बड़ी खुशखबरियाँ किस प्रकार से आपको मिलने वाली है, किस प्रकार से आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी मेहरबान होने वाली हैं, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। तो यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले आपके कैरियर और बिजनेस व्यापार के मामले में। तो मिथुन राशि के जातकों, यहाँ पर अगर हम बात करें आपके करियर और बिजनेस व्यापार के मामले में, तो माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से मिथुन राशि के जातकों, सितंबर और अक्टूबर 2021 के महीने में, इन दो महीनों में आपको धन की प्राप्ति होगी। धन के क्षेत्र में, बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा और आपके करियर में आपको उच्च पद की प्राप्ति और प्रमोशन के योग बनेंगे। आपको अक्टूबर के महीने में और भी अच्छी बेहतर नौकरी मिलने की संभावना है। यदि आप चेंजिंग करना चाहते हैं अपनी जॉब को लेकर, तो मिथुन राशि के जातकों, अक्टूबर के महीने में चेंजिंग मिलेगी। आपको सितंबर के महीने में थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन बिजनेस व्यापार के मामले में सितंबर और अक्टूबर का महीना आपके लिए काफ़ी लाजवाब रहेगा। रुका व फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। लॉटरी सट्टे में अगर अपना भाग्य जमाना चाहते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से मिथुन राशि के जातकों, ये दो महीने आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि देखिए अमृत सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जिसके कारण माता लक्ष्मी जी की कृपा जरूर रहेगी इन दो महीनों में। अगर बात करें हम आपके घरेलू जीवन की, पारिवारिक जीवन की, तो देखिए पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों काफ़ी अच्छा रहेगा। घर परिवार में सपोर्ट मिलेगा, सबके साथ एंजॉय करते नजर आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताते नजर आएंगे, अपनों के साथ एंजॉय करेंगे, अपनों के साथ ज़्यादा वक्त बिताते नजर आएंगे। और खास बात तो यह है मिथुन राशि के जातकों की, आपके घर में कोई धार्मिक कार्यों का आयोजन हो सकता है, धर्म कर्म से जुड़ा कार्य हो सकता है। वैसे भी इसमें धर्म कर्म के, चूँकि कई सारे त्यौहार भी चल रहे हैं, इसका भी आप आनंद और लुत्फ़ उठाएंगे।
तो इन सभी चीजों से आपको लाभ भी देखने को मिलेगा और खासकर माता लक्ष्मी जी की कृपा इन दो महीनों में रहेगी मिथुन राशि के जातकों। तो मिथुन राशि के जातकों, आपका पारिवारिक जीवन काफी सुखमय रहेगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, माता पिता के आशीर्वाद से आपको अच्छा खासा धन लाभ प्राप्त हो सकता है। सेहत की बात करें तो सेहत में सुधार देखने को मिलेगा, अक्टूबर के महीने में सेहत अच्छा रहेगा, लेकिन सितंबर के महीने में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, थोड़ी सी आपको यहाँ पर सावधानी रखनी है, आपके सेहत का बिगड़ना चिंता के विषय का कारण बन सकता है। तो पहली बड़ी खुशखबरी आपके नौकरी के रूप में मिलेगी, एक बेहतर नौकरी मिलेगी, और दूसरी बड़ी खुशखबरी आपके बिजनेस व्यापार में कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल हो सकती है, और तीसरी बड़ी खुशखबरी आपका रुका व फंसा हुआ धन भी प्राप्त होगा। लेकिन यहां पर बैंकिंग के क्षेत्र के रूप में आपको चौथी खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि लोन वगैरह मंजूर हो सकता है। लोन के लिए आपने अभी तक जो भागम दौड़ की है मिथुन राशि के, वो आपको अक्टूबर के महीने में जबरदस्त सफलता मिलेगी, हालांकि सितंबर के महीने में थोड़ा सा भाग दौड़ ज्यादा करना पड़ सकता है बैंकिंग के क्षेत्र में। तो मिथुन राशि के जातकों, यहाँ पर बात करें तो विदेश से भी आपको कोई यानी चौथी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, चाहे वो धन को लेकर हो या फिर एक नई जॉब को लेकर हो या फिर अपने पढ़ाई के क्षेत्र के सिलसिले में भी आपको वहाँ पर बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अच्छे संस्था में दाखिले लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए अवसर काफ़ी अच्छा और बेहतरीन कहा जा सकता है। मिथुन राशि के जातकों, दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ, आपस में प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो मिथुन राशि के जातकों, आपके प्रेम जीवन में काफ़ी नज़दीकियां बढ़ेंगी, आपकी लव लाइफ बहुत खूबसूरत रहेगी और दाम्पत्य जीवन में खुशियों की बौछार आने वाली है। माता लक्ष्मी की कृपा से अब आपके जीवन में अलगाव की स्थिति खत्म होगी और एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा, एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताते नजर आएंगे और आपकी लव लाइफ बहुत खूबसूरत रहने वाली है। अभी तक जो परेशानियां या फिर किसी प्रकार की दिक्कतें चल रही थी तो मिथुन राशि के जातकों, उसमें आपको यानी वो दिक्कतें खत्म होंगी और आपस में प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे का सपोर्ट और कुछ उपहार गिफ्ट देने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर संतान के रूप में पाँचवीं बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी, क्योंकि संतान की प्राप्ति हो सकती है आपको अक्टूबर के महीने में और सितंबर के लास्ट में भी प्लानिंग कर सकते हैं। संतान की तरफ से कोई बेहद अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, संतान की कामयाबी आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगी, समाज में इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा मिथुन राशि के जातकों, और समाज में आपका कद बढ़ेगा। आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो यहां पर भी आपका कद बढ़ेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, बड़ी जवाबदारियां मिल सकती है। हालांकि घर परिवार के सुख साधनों में वृद्धि करेंगे मिथुन राशि के जातकों सितंबर और अक्टूबर के महीने में, क्योंकि इन दो महीनों में आपको बहुत ही आपके लिए बेहतर रहने वाला है, कई तरह के लाभ मिलेंगे। और खासकर देखें, जब भी कभी कोई महीने में बेहतर योग और शुभ दुर्लभ योग बनते हैं, जैसे कि सर्वार्ध सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, तो इसका सीधा सीधा लाभ आपको मिलेगा यहाँ पर मिथुन राशि के जातकों। माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बने रहेगी। उपाय की बात करें तो देखिए, मिथुन राशि के जातकों, आपको इन दो महीनों में विष्णु सहस्त्र स्त्रोत का पाठ करना है, माता लक्ष्मी जी की पूजा करना है, नित्य सुबह उठें और आप महालक्ष्मी जी की यानी कि स्मरण करें, उनके मंत्रों का जाप करें और उनके निमित्त कुछ दान दक्षिणा करें, और कोशिश करें कि आप गणेश भगवान को दुर्वा की माला जरूर अर्पित करें। तो दोस्तों, मिथुन राशि के जातकों, ये था आपके लिए दो महीनों का राशिफल, यानी कि मिथुन राशि के जातकों सितंबर और अक्टूबर 2021 का राशिफल, जो कि आपके लिए पांच बड़ी खुशखबरी ये दो महीने लेकर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, और यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी, जय शनिदेव।